कैसी लगती है कमोजी? तुम्हें कैसी लगती है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज मृणाली एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 11th फरवरी और कल है 12th फरवरी, जो कि है मेरा बर्थडे। बट ना मेरी सिस्टर है दिल्ली में, ना मेरा ब्रदर है अब दिल्ली में, ना इंडिया में। तो आई डोंट थिंक सो कि 12 बजे वाला प्लान कुछ खास इतना होने वाला है, क्योंकि देर इज़ नो बडी टू प्लान समथिंग लाइक दैट कि मेरे लिए केक ला या कुछ भी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट देखते हैं अगर किसी फ्रेंड में थोड़ा सा भी दिमाग आ गया तो पता नहीं कुछ करें या ना करें। बट अब इतने बड़े हो गए हैं कि 12 बजे वाला प्लान ना थोड़ा सा अटपटा, मतलब थोड़ा बचकांड सा लगता है, थोड़ा बचपना सा लगता है 12 बजे वाला प्लान। तो आई डोंट नो क्या होगा, बट स्टिल मैं व्लॉग करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 10:30 बज रहे हैं 11 तारीख के, और 12 बजे मम्मी डैडी के साथ थोड़ा सा सेलिब्रेट करूँगी, मतलब उनके साथ बैठूँगी, इन्जॉय करूँगी। बाकी अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बर्थडेज ऐसा लगता जा रहा है कि यार इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे, जस्ट अनदर नॉर्मल डे। तो आई डोंट थिंक सो कि अब वो एक्साइटमेंट बची है लाइफ में कि बड़े हो रहे हैं यार, ठीक है ना, एक दिन कम, एक साल कम ही तो हो रहा है लाइफ में, बस कि कुछ अचीव कर ले तो अच्छा भी लगे मनाने में बर्थडे, कि चलो ग्रैंड मनाते हैं क्योंकि हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो मेरा एक पार्सल आया हुआ है जो मुझे खोलना है, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ कि वो मेरे बर्थडे से एक दिन पहले ही आ गया, क्योंकि मे बी आई विल वेयर दिस टुमारो विद द ड्रेस विच आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड। तो देखो भाई, लाइफ में कुछ भी हो, मैं प्री प्लान रहती हूँ। मेरा कभी भी ऐसा कोई नहीं होता कि कोई फंक्शन ऐसा चला जाए कि यार आई डोंट हैव एनी ड्रेस और समथिंग लाइक दैट। आई ऑलरेडी गॉट द ड्रेस, मैंने पहले ही मंगा के रख लिया, काफ़ी दिनों पहले ट्राई भी करके देख लिया। ये जो है लास्ट मोमेंट पे आया है, पता नहीं उसके साथ मैच होगा नहीं होगा, बट स्टिल मैंने मंगा लिया कि चलो ठीक है देखते हैं, अगर मैच हो गया तो पहन लूँगी, नहीं अदरवाइज आई वेयर सम अदर हील्स और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ये बूट्स हैं, ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने अपने खुद के पैसों से मंगाया, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, अभी कोई प्रमोशन दे भी नहीं रहा हमें। नाइस, ये जो बहुत टाइम से एक बूट्स चाहिए थे हील्स वाले, वो मैंने मंगा लिए पॉइंटेड। सो गाइस, मैं अकेले एंजॉय कर रही हूँ, अभी फिलहाल 12 बजने वाले हैं 10 मिनट में, तो इसीलिए ऐसा होता है अकेले बर्थडे का एंजॉयमेंट। So guys, 12 बज चुके हैं। अरे थैंक यू सो मच मम्मी, डार्लिंग, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच। ये तो वैसे घर में रखा हुआ था, बट स्टिल आई अप्रिशिएट द थॉट। अब तो हम ही बच्चे हैं बस यहाँ पे, और कोई भी नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। डैडी को भी हैप्पी बर्थडे बोल के आती हूँ मेरे लिए। डैडी मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। सो गए आप? थे ऋषभ की कॉल आ रही है, मैं उठाती हूँ। ऋषभ की कॉल आ रही है, लेट मी पिक इट। Few moments later. Thank you.
हैप्पी बर्थडे। सो गाइस मुझे लगा था 12 बजे का तो कोई सिस्टम होगा नहीं क्योंकि ऋषभ है नहीं यहाँ पे और किसी और के साथ प्लान करके कौन क्या ही करेगा। तो फॉर्चुनेटली अभी नहीं कह लो कि somehow मुझे पता था कि संजू थोड़ा सा कुछ तो सोच रहा होगा, बट सिर्फ केक नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। इसे कहते हैं सरप्राइज, ठीक है। केक होता है बट उसके साथ साथ 1, 2, 3 और मोस्टली मेरी फेवरेट्स हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। देखो ध्यान से, आई लव इट, मज़ा आ गया देख के। द नेक्स्ट डे। सो गाइस बर्थडे की सुबह हो चुकी है और मैं नहा चुकी हूँ। देखो हेयर वॉश किया मैंने आज क्योंकि मुझे ब्लो ड्रायर करवाना है कि अगर बाय चांस कहीं चली गई तो थोड़ा सा हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए। और ये हमारा डेली की तरह आलू की सब्जी, राइस और बीटरूट, चुकंदर और गाजर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी थोड़ा एनर्जी बूस्ट करने के लिए क्योंकि डेली में बहुत ज़्यादा बेकार मौसम हो रहा है, एकदम से बुखार चढ़ता है उतरता है, बहुत अजीब सा ही मौसम हो रहा है, तो ये सब खाना बहुत ज़रूरी है। बाद में जाऊँगी ब्लो ड्राई करवाने के लिए और उसके बाद देखते हैं फिर क्या प्लान है आगे। बहुत स्लो स्लो सा दिन जा रहा है तो स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी क्लिप्स कैप्चर कर लूँ क्योंकि और तो कुछ है नहीं करने के लिए। तो इसीलिए अब मैं खाना खाती हूँ, पेट भरती हूँ अपना और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी ब्लो ड्राई कराने के लिए। तो गाइस मैं पार्लर में अपने बर्थडे का डिस्काउंट ले रही हूँ, ठीक है दीदी, मेरे को पार्लर में बर्थडे का डिस्काउंट चाहिए आज, ठीक है ना। कहाँ प्रेसिंग फ्री में करते हैं? कहाँ मैं ब्लो ड्रायर करवाने आई थी, अभी उस रेट में प्रेसिंग कर रही है, ठीक है। हाँ आप डिस्काउंट दे रहे हो ना मुझे आज, आज आपका डिस्काउंट। ये होता है फायदा भाई, ये ब्लॉग का फायदा होता है, जय भी फोन रिकॉर्ड हो। चलो कोई 100-200 कम कर लेना, बाकी तो मैं इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही फ्री में करा के जाऊंगी, बिल्कुल ही फ्री में तो करा के नहीं जाऊंगी। अमिताभ इट्स माय हैप्पी बर्थडे, कम विश मी। अमिताभ इधर आ। हैप्पी बर्थडे टू मी, मेरे साथ गा, खुजाने लग गया। पता है मैंने ना पार्लर वाली को बोला कि आप कितने लोग हैं स्ट्रेटनिंग के, पहले मैं ब्लो ड्राई करा रही थी, फिर उसने बोला स्ट्रेटनिंग ही करा लो कि अच्छे लगेंगे, थोड़े से दिन एक दो दिन तक रह जाएंगे। मैंने कहा नहीं मुझे आजाद के लिए चाहिए सिर्फ ब्लो ड्रायर करवाना है। कह रही नहीं स्ट्रेटनिंग करा, मैंने कहा ठीक है चलो आप इतना फोर्स कर ही रहे हो तो स्ट्रेटनिंग कर दो, आज मेरा बर्थडे तो मुझे डिस्काउंट दे दो। तो और क्या, मैं फिर बोलती है हैप्पी बर्थडे डिस्काउंट दे, तो मैंने कहा ठीक है यार ये तो बोलना बनता है ना मम्मी की। तो कितना दिया डिस्काउंट फिर? कम कर दिया हम लोग 100 रुपीज कर दिए। अच्छे हैं, ऐसे तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अच्छी है। तो मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे कि ना पहली बार मैंने किसी को बोल के मेरा बर्थडे डिस्काउंट दे दो। तो उन्होंने फोर्स किया कि स्ट्रेटनिंग करा लो, जब मैं ब्रो ड्रायर कराने गई थी 150 रुपए का, तो उन्होंने 300 रुपए की चीज सजेस्ट करी, तो डिस्काउंट में तो बनता है ना, जब फेस्टिवल डिस्काउंट मिलते हैं तो बर्थडे डिस्काउंट क्यों मिलता है। तो फिर मैंने करा लिए, कैसे लग रहे आज तो हम एकदम मैची हो रहे हैं, मैची। तो गाइज मैं करा के आ गई स्ट्रेटनिंग और अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी 3:30 बज चुके हैं और इससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते शाम होने का। तो अब मैं हो जाती हूँ रेडी इन 3, 2, 1। हे गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं आपको अपना फुल लुक दिखाऊंगी। 3, 2, 1। ये देखो माय लुक, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंडा है क्योंकि इसके ऊपर मैं जैकेट पहनने वाली हूँ और अब मम्मी से पूछते हैं कि उनको मेरा लुक कैसा लगा। वैसे तो वो बोलने वाली है कि तुझे ठंडी लगेगी क्या, बट आई एम कैरिंग लेगिंग्स या फिर स्टॉकिंग, इसमें से जो भी मेरे को ठंड लगी तो मैं पहन लूँगी और ये जैकेट। तो वैसे भी बर्थडे वाले दिन किसको ठंड लगने वाली है। कोई बात नहीं कल बीमार हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, अब मैं हो चुकी फुल रेडी और अब मैं निकल रही हूँ पार्टी करने। आई डोंट नो कहाँ जाने वाले बट स्टिल आई एम रेडी। जैकेट पहन लूंगी और अगर स्टॉकिंग्स ले ली और पैंट भी ले लिया अगर ठंड लगेगी तो वो भी पहन लूंगी, ठीक है। लुकिंग नाइस, तो एक पप्पी तो दे दो। चलो मैं जा रही, ठीक है, बाय बाय बाय। सो गाइस आई एम फुल रेडी, जैकेट वैकेट पहन के और बैग लेके, सो नाउ आई एम गोइंग, बाय बाय, सी यू देयर। ओ माय गॉड आप तो बहुत प्रीटी लग रहे हो। ये तो आप जलपरी बन के आ गई। मेरी मम्मी ने भी यही बोला, आई हैव इट इन अ व्लॉग। आ जा, मम्मी ने भी एग्जैक्टली यही बोला। थैंक यू गाइस इट्स माय बर्थडे। सारे इसको विश कर दो पूरा बर्थडे को गाइस, थोड़ा थोड़ा छुपा लेते हैं।
गाइस इस लड़की ना इतना कंफ्यूज है, कह रही है कि मैं द्वारका के सारे कैफेज में घूम चुकी हूँ और अब मुझे कोई नया कैफे में जाना है। अब इसको बताओ, इसको अगर गुड़गांव लेके जाए तो इतना टाइम हो जाएगा, घर वाले इसके बोलते हैं तो भैया 7-8 बजे तक घर पे आ जा। अब इसमें मेरी क्या गलती है, छोड़ू तो गुड़गांव नहीं जाएंगे पर दिल में यहाँ पे कोई हिरन है, देख सजा रखा, देख दिल भी लग रहे, देख तेरे लिए मिन्नी भी रेड, दिल भी रेड, सब रेड रेड, खाली पड़ा है मतलब अच्छा नहीं है। आई हैव टू म्यूट इट। अच्छा कोई बात नहीं यार, वी आर बैक टू आवर फेवरेट कैफे व्हिच इज आई गेस नॉट डेकोरेटेड, और इट्स डेकोरेटेड जो यहाँ से दिख नहीं रहा है। इससे अच्छा तो जिम चलते ना अपन, वो ज्यादा डेकोरेटेड होता वो हमारी हैप्पी प्लेस होती है, हमें वहाँ पे कुछ सोचना नहीं है, बस वहाँ हमें पता है क्या करना है, जाके एक्सरसाइज करनी है, मस्त एंजॉय करना है। ऐसी जगह पे ना ऑब्लिगेटरी एंजॉय हो जाता है कि ठीक है ना, जाके बैठना है, एंजॉय करना है। अब तो मुझे इसमें जाने का मन नहीं कर रहा है आगे। क्यों, अब अच्छा नहीं लग रहा तुझे? चल अब तो इसी में चलेंगे, बर्थडे मेरा मैं डिसाइड करूंगी। गाइस इतने सबके चक्कर में लाइट तो चली गई। आई लव गुड़गांव फॉर टाइम बीइंग, मतलब अभी अभी के लिए मुझे गुड़गांव पसंद है, बाद की बात पता नहीं, अभी हम आ गए तो मुझे पसंद है, ठीक है ऐसे ही होता है। अब हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा, फाइनली पहुंच गए। वाह हाय, और मन्नी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जगह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। सैड सैड क्यों लग रहा है? लेकिन सैड नहीं लग रहा, अभी थोड़ा सा खाना खा जाएगा ना तो मैं अच्छा। घर वालों की टेंशन है? घर वालों को मेरी टेंशन, इसलिए मैं सैड हूँ क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई, अभी भी घर वालों को मेरी टेंशन है। क्यों ऐसा होता है, लड़कियों की टेंशन होती है। बता भाई अभी 7:30 बजे और इसको घर बुला लिया कि वापस आ, और 5 बजे तो बेचारी आई थी, अभी तो हम पहुंचे ही है। कोई नहीं, मैं जाऊंगी तो फिर अपन जाके संभाल लूंगी, जगह पे होती ना तो खाना पीना पेट में जाएगा ना, एकदम मस्त रहूंगा। मिन्नी मजा आ रहा है तुझे? यस मजा आ रहा है। और देखो मिन्नी को और मजा आएगा, इसमें लग गई आग, इसको ठंड लग रही थी बेचारी को और अब इसमें आग लग गई, अभी से मजा आएगा। किसने कहा था, किसने कहा था ऐसे कपड़े पहनने के लिए? बस बीच में से एक फिलहाल छोटी रहे। और भाई यहाँ का एम्बियंस देखो, वाइब देखो। देख मिन्नी मैंने तेरे लिए देख कितना खर्चा करा है। तू देख मैंने देख तेरे लिए कितना खर्चा करा है, देख मैंने गाने वाले ही बुला लिए, पर्सनल म्यूजिशियन। यार बर्थडे कर ले, मुझे बताया नहीं अभी तक, कितने साल की हो गई है? मैं नहीं बताऊंगी।
जब तक 30 की नहीं होगी तब तक नहीं बताएगी क्या कह रही जब तक 30 की नहीं होगी। वैसे वैसे मुझे इसकी असली उम्र पता है कितने साल की होगी। 30 होने में ज्यादा टाइम नहीं। वैसे मेरे को वैसे मेरे को इसकी असली उम्र पता है। बताओ बता दूं। बता ये है ना अभी 4.5 महीना। अरे बिल्कुल सही बोला, सही बोला। 19 साल 4 महीना। देखो हमारी मिन्नी का केक आ गया। अरे मेरा केक भी आना था। हाँ चलो निया मिन्नी जल्दी काट ले। निया बैठ जाइए। यार केक तो बड़ा सुंदर है मिन्नी का। वाओ दोनों में ढूंढा। तेरा भूत बनेगा उसका। ये देखो गाइस मिन्नी का प्यारा सा केक। मतलब पहले आ गया रोहित भाई को बोल के जा भाई बर्थडे वाला सॉन्ग गा दे एक बार। सबसे पहले काट दे। ये देखो ये चला गया इसलिए बुलाता हूँ बस सर इसको। बोला उसको जाके बोलो बर्थडे वाला चला दे। मतलब पहले ही वाइट चॉकलेट ठीक है अच्छे है। मियां को सबसे मियां को सबसे पहले खाना है। ये अपने केक में भी सबसे पहले भोग लगाती है और दूसरों के केक में भी। पप्पी कर रहा है उसके हाथ में। पता है कैसे चला इसने? ये मना कर रहा था इसने पप्पी करने। चलाओ चलाओ। शक्ति इसमें से ले लियो। सो गाइस हमारी पार्टी हो गई खत्म। और एक गाना सिंगर को ले चले यहाँ से उठा के। बढ़िया गाने गा रहा था। ये जो था ना फैमिली के साथ थोड़ा लेट हो गए थे और दूर था। ये तो छोड़ के ही नहीं राजी। तुम किसी शर्माना तेरे हो जाएंगे। तुम आँखों से बता